हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो वही कोरोना वायरस को लेकर हमारे रिपोर्टर प्रदेश के शहर शहर में मौजूद हैं। नारनौल में क्या कुछ स्थिति है, जायजा लिया है हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी ने। अभी हम खड़े हैं हासी चंडीगढ़ रोड के ऊपर नारनौल में, और नारनौल में कैसे हालात है आइए उसका एक लाइव नजारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रास्ता चंडीगढ़ की तरफ जाता है, बिल्कुल सुनसान इलाका है और जितनी भी दुकानें हैं वो सारी दुकानें बंद हैं। और व्हीकल की अगर हम बात करें, कोई इक्का दुक्का व्हीकल ही अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अपील की गई थी, उस अपील का साफ साफ असर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो जनता की बात है, जनता भी कोरोना वायरस को रोकने के लिए काफी सजग नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मेरे सामने नारन का पुलिस थाना है। नारन के पुलिस थाने के जितने भी कर्मचारी हैं वो भी अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं, और साथ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी काफी कड़े कदम उठाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है। और साथ में प्रत्येक सरपंच के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, उपमंडल नारनौल के प्रशासन के द्वारा जनता को जागरूक किया गया है, और प्रत्येक गांव के अंदर मुनादी करवाई गई है और जागरूक करने की पूरी कोशिश की गई है, और उसी का परिणाम यहां नारनौल में बिल्कुल साफ साफ देखने को मिल रहा है। इस सुनसान इलाके से, इन सुनसान सड़कों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का नारनौल में कितना असर है। विशेष सहयोगी रोहित पंचाल और संदीप जांगड़ा के साथ अजय लोहान।